आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। आज मैं आपके लिए लाया क्या हूं, दो शब्द कितने ज्यादा यूज होते हैं। अरे मेरे पैर में कांटा लग गया, एक गाना था कांटा लगा, बड़ा प्रसिद्ध हुआ सब गाना वो कांटा लगा, मैंने उसी की अंग्रेजी बना दी। सबसे पहले चुभना, लगना, लगना शब्द यूज किया जाता है, जैसे कांटा लगे, इंजेक्शन लगे, कुछ भी चुभे, सुई लगे, तो चुभना है शब्द, लेकिन लगा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। चुभना, चुभना की मैंने दो अंग्रेजी दी है, टू प्रिक, टू पियर्स, दो अंग्रेजी है, कोई सी भी यूज कर लो। ईडी लगाने से या इसमें डी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। कांटा लगा, द थॉर्न प्रिक्ड मी, यानी मेरे लगा, तभी तो मैं चिल्ला रहा हूं, कांटा लगा, द थॉर्न प्रिक्ड मी, द थॉर्न पियर्स्ड मी, पियर्स भी आ सकता है इसकी जगह, द थॉर्न विल पियर्स मी, मेरे कांटा लगेगा, ए थॉर्न पियर्सेस मी या प्रिक्स मी, एक कांटा मुझे लगता है। तो इस प्रकार से अनेकों अंग्रेजी बनाई जा सकती हैं। मेरे सुई चुभ गई या मेरे सुई लग गई, दो बातें बोली जाती हैं। द निडल प्रिक्ड माई हैंड, मेरे सुई चुभ गई, कभी कभी ऐसा होता है सिलाई कढ़ाई ये वो, सुई चुभ जाती है, प्रिक्ड माई हैंड, हाथ में लग जाए, हाथ में चुभ जाए, तो माई हैंड, द निडल प्रिक्ड योर हैंड, तुम्हारे हाथ में सुई लग गई, पैर में लग जाए तो फीट कहेंगे, और कहीं लग जाए तो उस जगह का नाम ले देंगे, बाह में लग गई आर्म कहेंगे। तो देखें, द निडल विल पियर्स द चाइल्ड, बच्चे की सुई लग जाएगी, या कांटा लग जाएगा, बच्चे के कांटा लग जाएगा, द थॉर्न विल पियर्स द चाइल्ड, बच्चे के कांटा लग जाएगा। प्रिक का भी यूज किया जा सकता है, ए थॉर्न हैज प्रिक्ड माई फिंगर बैडली, बहुत बुरी तरीके से एक कांटा मेरे उंगली में चुभ गया, बहुत बुरी तरीके से निकल ही नहीं रहा। अब देखें, तुम्हारे शब्द मेरे दिल में चुभ जाते हैं, शब्द मेरे दिल में चुभ जाते हैं, तुम्हारे दिल में चुभ जाते हैं, उसके दिल में चुभ जाते हैं, लड़की के दिल में चुभ जाते हैं। योर वर्ड्स ऑलवेज पियर्स माई हार्ट, तुम्हारे शब्द इतने कटीले होते हैं, थॉर्नी, कटीला का अंग्रेजी होती है थॉर्नी, तुम्हारे शब्द इतने कटीले होते हैं कि मेरे दिल में हमेशा चुभ जाते हैं। योर वर्ड्स ऑलवेज पियर्स माई हार्ट, हर वर्ड्स पियर्स्ड माई हार्ट, हर वर्ड्स यानी उस महिला के शब्द, उस लड़की के शब्द मेरे दिल में चुभ गए। तो यहां प्रिग्ड शब्द या पियर्स्ड यानी सेकंड फॉर्म आएगी। योर वर्ड्स विल पियर्स या प्रिक माई हार्ट, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को चुभ जाएंगे, या माई वर्ड्स विल पियर्स योर हार्ट, शब्द तुम्हारे दिल को चुभ जाएंगे, यानी बुरा लगने से अर्थ है। चुभाना, दो शब्द हैं चुभना और चुभाना। चुभाना की अंग्रेजी देखें, वैसे ये अंग्रेजी भी चुभाने के लिए लग जाती है, लेकिन मैंने अलग शब्द का इस्तेमाल किया है, जैब। डॉक्टर ने बच्चे के सुई लगाई या लगाता है, डॉक्टर बच्चे के सुई लगाता है, चुभाता है या लगाता है, एक ही बात है। द डॉक्टर जैब्स द चाइल्ड विद ए निडल, इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी, द डॉक्टर जैब्स द चाइल्ड विद ए निडल, द डॉक्टर जैब्ड माई आर्म विद ए निडल, डॉक्टर ने मेरे बाह में सुई लगा दी, द डॉक्टर विल जैब योर आर्म विद ए निडल, सुई लगा देगा डॉक्टर, तुम्हारे सुई चुभा देगा या सुई लगा देगा, इंजेक्शन से तात्पर्य है। द डॉक्टर विल जैब योर आर्म विद ए निडल, डॉक्टर तुम्हारे सुई लगा देगा, बच्चे को तो बहुत डरा देते हैं घर में ही, बच्चा बहुत डरते हैं सुई लगाने से, अब बड़े तक डरते हैं, वैक्सीनेशन के समय बहुत सारे लोग डर रहे थे। द डॉक्टर विल जैब योर आर्म विद ए निडल, डॉक्टर तुम्हारे सुई लगा देगा, सुई चुभा देगा। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।